देखिए किस तरीके से आदित्य L1 की जो है लॉन्चिंग के लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। 11:50 का समय है जब यहीं से जो है देखिए साइंटिस्ट जो है, क्योंकि ये आखिरी मिनट जो होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। हमने चंद्रयान के समय में भी देखा था 15 मिनट पहले जो है हर कोई रिलैक्स हो गया था, पूरी तरीके से जो है सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि ये हर कोई उम्मीद भी कर रहा था और हर किसी को इस बात की पूरी तरीके से वो जता रहे थे कि हाँ इस बार तो हम चांद पर पहुंच ही जाएंगे। और वो दिन कोई नहीं भूल सकता, वो समय कोई नहीं भूल सकता, 6:04 23 अगस्त का वो समय जिस वक्त चंद्रयान 3 पर जो है चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, वो समय कोई नहीं भूल सकता किस तरीके से हर जगह सारे जहां से। आज भी वही वक्त है आदित्य L1 की लॉन्चिंग के समय, जिस वक्त पूरे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजर इस पर है, क्योंकि किस पर जाने का सबसे पहला हिंदुस्तान का ये पहला मिशन होगा। और ये मैं बार बार अपने दर्शकों को समझा रही हूँ कि देखिए हम सूरज पर नहीं जा रहे, हम उस ऑर्बिट में घूमेंगे, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के अगर आसपास की बात करें तो 5 लैंग्वेज पॉइंट है जिसमें L1, L2, L3। तो ये तस्वीरें हम बता रहे हैं, ये दरअसल ये नए भारत की तस्वीरें हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीरें हैं, ये 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों की तस्वीर है, ये हमारे सपनों की उड़ान है, और ये वो तस्वीर है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगी। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है, AK सिंह जी, मैं तस्वीरों पे ही लौटूंगी। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि अलग इमोशंस होते हैं, आप तो DRDO में वैज्ञानिक रहे हैं, आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव है, इस समय क्या इमोशंस होते हैं? क्योंकि टेंशन भी होती है, एक्साइटमेंट तो अलग होती है, जब दिन रात की मेहनत नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है और एक मिशन आपके दिमाग में घूम रहा होता है। देखो, ये जो इस तरह के जब एपिसोड या वक्त आता है, उस जो इमोशंस होती हैं वो कई बार शब्दों में बयान नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें इस वक्त जो है नेशनलिज्म, द पर्पस ऑफ द इवेंट इज एक्सट्रीम, जैसे चंद्रयान 3 में देखा, जैसे आज शाम को हम क्रिकेट के मैच में देखेंगे और एक अभी हम देखने जा रहे हैं। तो इस वक्त लगता है कि हम बेसिकली, हमारी एग्जिस्टेंस हमारे देश से है और हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कहीं जाएँ, तो मैंने पहले भी बताया कि मैं वोडार्ड स्पेस स्टेशन गया, तो वहाँ पे जब उन्होंने अपने मार्स मिशन का प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उन्होंने जब इसरो की तारीफ की, इतनी खुशी होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा देश, और अब तो हम नंबर 1, अब हम नंबर 2 पोजीशन को शायद नहीं जानेंगे कुछ दिनों में। हाँ। इसरो जो है दुनिया का नंबर 1 स्पेस रिसर्च मिशन बनेगा। तो इस टाइम बहुत अजीब सी और बहुत खुशी की है, जैसा आप शुरू से कह रही हैं, 140 करोड़, शायद हर इंसान जो शायद इसकी तकनीक को नहीं समझ पा रहा होगा, पर वो भी एक खुश है, क्योंकि उसे लग रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे हमारा देश आगे चलेगा और हमें फायदा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर किसी, क्योंकि मुझे चंद्रयान 3 के समय भी याद है, जब ये बड़ी सक्सेस आपके देश को मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं या कोई भी हो, हमें लग रहा है कि ये तो हम ही ने कर दिखाया है, ये इसमें तो हमारी मेहनत भी लगी है। मतलब वो इमोशन आपका इस लेवल पर होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, शायद जितने इसरो के वैज्ञानिक खुश होंगे इतना मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी उस वक्त खुश। देखिए, इसमें हर हिंदुस्तानी उतना ही खुश होगा और हर 140 करोड़ लोगों की उसमें मेहनत है। हाँ। किसी की प्रत्यक्ष रूप में, किसी की अप्रत्यक्ष रूप में, और इस बिना उसके नहीं हो सकता है, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे हमारे वैज्ञानिक हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे लोकल। इसी का जवाब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है उसकी भी। ऋषिता, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत इसमें काफी ज्यादा हो रही है, आप बताइए कि क्या ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, यानी कि जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, या फिर हमने यूरोपियन यूनियन या हमने नासा की इसमें कुछ मदद ली है, ये आप बताइए। देखिए मैम, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जितने भी 7 पेलोड हमने बनाए हैं या हमने लगाए हैं, वो 7ों के 7ों पेलोड इंडिजीनियस तरीके से बने हैं। सबके सब पेलोड में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जैसे बैंगलोर या UR सैटेलाइट सेंटर और इस सारे इंस्टीट्यूट्स का जो कोलैबोरेशन है इसरो के साथ किया गया है, और उन सब के द्वारा ये सारे पेलोड्स बनाए गए हैं। और इससे अच्छी आत्मनिर्भर भारत की एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो हम ये मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से। ठीक है, और बहुत बड़ी कामयाबी एक बार फिर से हिंदुस्तान को मिलने वाली है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन चंद्रयान 3 की बड़ी सफलता के बाद, बड़ी कामयाबी के बाद, सोलर मिशन आदित्य L1 से इसरो ही नहीं पूरे देश को बहुत ज्यादा इस वक्त उम्मीदें हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो वैज्ञानिक की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि
सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये नए भारत के सपनों की उड़ान है, ये 140 करोड़ देशवासियों की उड़ान है, ये वैज्ञानिकों के परिश्रम की उड़ान है, ये उनके धैर्य की उड़ान है, ये अथाह परिश्रम की उड़ान है, और ये आत्मविश्वास की उड़ान है, ये नामुमकिन को मुमकिन करने की उड़ान है, ये नई चेतना की उड़ान है, ये नई ऊर्जा की उड़ान है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जब थोड़ी देर के बाद 11:50 का वो समय होगा जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, तो एक साथ एक भाव हर हिंदुस्तानी के मन में आज दिखाई देगा। और इसी की तैयारी श्री हरिकोटा से पूरी कर ली गई है, बस अब कुछ वक्त का इंतजार है और एक और बड़ी कामयाबी इसरो को मिलने वाली है, भारत को मिलने वाली है। अब आप देखिए चंद्रयान 3 की कामयाबी से अभी देश उभरा ही नहीं था, यानी कि हर कोई उसी की बात कर रहा था, और इसरो एक और इतिहास आज रचने जा रहा है। और मेरी सहयोगी अनुपमा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुपमा, ये समय वैज्ञानिकों को सलाम करने का भी है, और ये समय बतलाता है कि जब आप कोई टारगेट को सेट कर लेते हैं तो हर चीज को आप पूरा कर सकते हैं। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और जो ये श्री हरिकोटा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत की ही नजर नहीं है, पूरी दुनिया की इसमें नजर है, क्योंकि हम सूरज के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। वो सूरज जो सौरमंडल का राजा है, वो सूरज जो सौरमंडल का तारा सितारा है, उस तक हम पहुंचने वाले हैं। और 4 महीने 7 दिन का समय, यानी कि जनवरी की शुरुआत में नए साल का तोहफा पूरे देश को मिलेगा। और अब ये उड़ान के लिए जो काउंटर भी हम चला रहे हैं, 32 मिनट का समय रह गया है। ये समय वैज्ञानिकों को सलाम करने का है, ये समय उनके जज्बे को सलाम करने का है, ये समय उनके आत्मविश्वास को सलाम करने का है। ये समय बताता है कि जब आप कोई टारगेट को सेट कर लेते हैं, भले ही सीमित संसाधन हो, आपके पास बजट कम हो, तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये जो उड़ान होगी मील का पत्थर साबित होगी, और इसमें दिन रात का परिश्रम लगा है। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रियंका कांडपल हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्योंकि जो मेहनत वैज्ञानिकों ने की है उसका फल अब उन्हें मिलने जा रहा है, बस कुछ मिनटों का और इंतजार है, और एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें आज एक बार फिर से भारत पर टिक जाएंगी। प्रियंका जी, बिल्कुल, चंद्रयान की सफलता के बाद वैसे ही विश्व हमारी तरफ देख रहा है, और खास तौर पर ये छोटे बच्चे जिनके लिए इंस्पिरेशन है अब इसरो सोमनाथ, जिनकी भी हम बात करें। मुझे बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर रहे थे अपनी नॉलेज बताने के लिए आदित्य के बारे में, क्या आप मुझे बताओ क्या मालूम है आपको आदित्य मिशन के बारे में? आज वो लॉन्च होने वाला है 11:50 पे, और वो स्टडी करना चाहता है सन के सरफेस पे। सन के सरफेस में क्या स्टडी करेगा वो? सन के सरफेस पे वो उसके आउटरमोस्ट लेयर को स्टडी करेगा, विच इज नोन एज कोरोना लेयर। साथ में वो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। एंड हमको क्या मिलेगा ये स्टडी से? कोरोना की लेयर को अगर वो रीड करता है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, इंडिया टेक में आगे चला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे चला जाएगा, और बाकी अदर कंट्रीज के लिए भी हमको तो फायदा होगा। बच्चों को हम सुन रहे थे, ना सिर्फ इस देश का वर्तमान है बल्कि भविष्य भी है। अनुपमा, आप तो ग्राउंड जीरो हर्षी हरिकोटा में मौजूद हैं, बस कुछ देर का इंतजार और फिर हम सौर मंडल के राजा तक पहुंच जाएंगे। अनुपमा बिल्कुल जसप्रीत, देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रही क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए जिस तरीके से मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए ये आदित्य L1 जो अब से कुछ ही देर बाद जो है लॉन्च किया जाएगा, 11:50 का वक्त है। हालांकि अभी तक जो है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि डिले होगा या किसी भी तरीके की कोई जानकारी। अभी जो है देखिए मैं आपको एक बार ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से लाइव फ्रॉम श्रीहरिकोटा, क्योंकि अब जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो भी शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 के लिए हमने देखा था कि आदित्य L1 मिशन अब जो है लाइव फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग जो की गई थी ताकि पूरी दुनिया देख सके। और ये सच बात है कि अगर स्पेस में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा। हालांकि 4 महीने का वक्त जो है इसे लगेगा पहुंचने में, लेकिन 4 महीने के बाद जब वो पहुंचेगा तो उसके बाद 5 साल तक वहां पर ऑर्बिट में रहकर जो है वो ये समझने की कोशिश करेगा कि देखिए आखिर सन की वेलोसिटी कितनी है, आखिर सन में जो है वो कितने ज्यादा तूफान जो है। जबरदस्त उत्साह, और हो भी क्यों ना, ये कड़ी मेहनत है। अनुपमा बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास।